Hey everyone, welcome back to Neet Shorts. So sorry I have been absent for about a month, but I hope कि मैं अब आगे continue कर सकती हूँ ये videos. So I hope you guys are doing well and तैयारी आप लोग की अच्छी चल रही है because exam आने ही वाला है. Let's assume कि मई जून में तो हो ही जाएगा. So 3 महीने बचे हैं and I thought कि मैं फटाफट आके आपको बता देती हूँ कि physics के लिए revision का strategy आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने कैसे किया था. So in my last 3 months of revision मैंने सिर्फ रिवाइज़ किया था लास्ट 3 महीनों में. एंड फिज़िक्स की मैंने NCERT 2 से 3 बार पढ़ी थी उस टाइम पे. सबको पूरा पढ़ती थी, बट लार्जली फोकस ये था कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो मार्क थी मेरी टेक्स्ट बुक में, वो मैं पढ़ती थी. मैं अपनी टेक्स्ट बुक्स दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पास और टेक्स्ट बुक्स है नहीं अभी, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू गाइज. तो दैट इज़ वन. सेकेंड, जो पीछे का पॉइंट्स टू पॉन्डर है, समरी है, उसको 2-3 बार पढ़ लेना क्योंकि उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कभी कभी मिस कर देते हैं हम. ठीक है. तीसरा मैं बोलूँगी कि फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो 2-3 बार. फोर्थ, आई वुड से दैट देर आर सम कॉन्सेप्ट इन ईच चैप्टर जो कि बहुत टफ होते हैं ना, जैसे कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग, वो कन्फ्यूजिंग हो सकता है किसी के लिए. एडी करंट्स के एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये चीज़ें याद नहीं रहती, भूल जाते हैं अपन. बोर मैग्नेट ऑन, थिंग्स लाइक फ्रिक्शन ऑन बैंक्ड रोड, उसका फॉर्मूला, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अंदर अंदर घुस के हैं बट हमें याद नहीं रहती हैं. इनको प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना. सॉल्व्ड एग्जाम्पल प्लीज़ रिवाइज़ कर लो. पुराने साल के क्वेश्चन डेफिनेटली रिवाइज़ करो रिविजन में. मैंने अपने रिविजन में सिर्फ पुराने साल के क्वेश्चंस किए थे और मॉक टेस्ट किए थे. मैंने बाकी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे. ठीक है. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थरली इन दीज 3 months एंड यू आर ऑल्सो डूइंग सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स इन फिजिक्स. यू आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से. और आपका वीक है, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन आपको वीक लगती है, प्लीज़ उसको रिवाइज करो अभी बैठ के. एंड कीप गिविंग मॉक टेस्ट. जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा. अगले 1-2 महीनों में सिर्फ मॉक टेस्ट पे ही फोकस करना, बाकी कुछ नहीं. जस्ट प्रैक्टिस एंड कीप प्रैक्टिसिंग. ठीक है. तो फिजिक्स के लिए ये सब चीज़ें फॉलो करो. एंड अगर टाइम मिले तो पीछे की एक्सरसाइज प्लीज़ कर लेना NCERT से. देर आर सम क्वेश्चंस विच कैन कीप कमिंग फ्रॉम दैट एंड इट्स ईजी मार्क्स अगर कर लोगे. अगर टाइम है एग्जाम्पलर भी देख लो प्लीज़. आई वुड रियली रिक्वेस्ट. ठीक है. दिस विल हेल्प यू एंड I think that's about it. And make sure that you are focusing on concepts which are difficult but are important. वो ज़रूर करके जाना क्योंकि उससे नंबर काफ़ी बढ़ेंगे आपके. जैसे for example ray optics अगर किसी को difficult लगता है तो please ray optics के question solve करो. जो चीज़ें भूल जाते हो वो चीज़ें बार-बार revise करो. अगर आप mechanics of solids जो है, जो Young's modulus वाला chapter है, उसमें एक concept है कि बार जो है bend हो जाती है, you know, that formula इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी आ सकता है. वो फॉर्मूला याद होना चाहिए. डेल्टा इज इक्वल्स टू 4/BD³ समथिंग. आई डोंट रिमेंबर इट राइट नाउ, बट वो फॉर्मूला ज़रूर देख के जाना. एंड दैट्स अबाउट इट. मैं केमिस्ट्री और बायो के भी टिप्स डालती रहूँगी एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू कवर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़. आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. स्टे सेफ. बाय.